ये लड़ाई सिर्फ किसानों के इन तीन काले कानूनों को रद्द कराने का अब नहीं रहा, ये लड़ाई देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये देश अडानी अंबानी नहीं चलाता है, ये देश यहाँ का अन्नदाता और किसान चलाता है। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार भी सत्ता में नहीं रहेगी। ये जान लीजिए, उस संसद के अंदर 65% किसानों के बेटे संसद में बैठे हुए हैं। देश की संसद में बैठा 65% किसानों का बेटा इस्तीफा देना स्वीकार करेगा और संसद भंग हो जाएगी। अगर किसान नहीं बचेगा, कानून नहीं वापस होगा, तो संसद के अंदर भी आप देख लीजिएगा इस्तीफों का दौर हो जाएगा और ये सरकार भी गिर जाएगी। भाजपा के भी 50% से ज़्यादा जो सांसद हैं वो किसान के बेटे हैं, उनकी अंतरात्मा जाग जाएगी और इस सरकार को जाना होगा। किसान रीढ़ है देश का, उसको अडानी अंबानी जो है उसके दलाल चमचे ये नहीं बचा पाएगी। नरेंद्र मोदी के इशारों पर हमारे 25 MLA जीत करके भी उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, हम हारे नहीं हैं। कांग्रेस यूथ के जिला अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। आप इस आंदोलन के किस रूप से दें? ये जो आज जो भारत बंद है किसानों का, अन्नदाताओं की अपील पे आज देश का हर नागरिक आंदोलित हो चुका है। ये लड़ाई सिर्फ किसानों के इन तीन काले कानूनों को रद्द कराने का अब नहीं रहा, ये लड़ाई देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई देश के किसानों को बचाने की है। और जो मोदी सरकार का मंसूबा है अडानी अंबानी के हाथों, जो देश की कृषि व्यवस्था को सरकार सौंपना चाहती है और कॉरपोरेट फार्मिंग कराना चाहती है, आज उसके खिलाफ देश आंदोलित है। और सीतामढ़ी में, बिहार में और पूरे देश में युवा, महिला और तमाम वर्ग के लोग राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर आज संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर निकल चुके हैं। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये देश अडानी अंबानी नहीं चलाता है, ये देश यहाँ का अन्नदाता और किसान चलाता है। 65% जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का जो मंसूबा मोदी सरकार पाल रही है उसको हम ध्वस्त कर देंगे। हम ऐसी सरकार को, देश विरोधी सरकार को, जो आज देश के खिलाफ चंद पूंजी पट्टियों के इशारे पे काम कर रही है, उसको उखाड़ फेंकेंगे। आज देश के किसान राजधानी में डटे हुए हैं, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि 14 दिन हो गया हमारा अन्नदाता सड़कों पे इस ठंडी के अंदर मर रहा है और अपनी बातें कर रहा है, लेकिन सरकार वार्ता पे वार्ता कर रही है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, जब देश का कृषि राज्य मंत्री ये कहता हो कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी, तो सरकार बातचीत क्या करना चाहती है? ये सरकार झूठी है, ये वही सरकार है जिसने धोखा देकर युवाओं को रोजगार का सपना दिखाकर सत्ता हासिल किया, ये वही सरकार है जिसने गरीबों को 15 लाख रुपया देने का वादा करके नोटबंदी जैसा कानून लागू किया, GST लागू करके देश के छोटे व्यापारियों को तबाह कर दिया। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। देश का किसान जाग चुका है, देश की युवा, देश की महिला, देश का हर वर्ग जाग चुका है और जाति समाज तमाम बंधनों को तोड़कर आज देश अपने किसानों के साथ एकजुट है। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और कॉरपोरेट के इशारों पर, कॉरपोरेट की दलाल बन चुकी मोदी सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। इन्हें ये तीनों कानून, जो काले कानून हैं कृषि के, उनको रद्द करने के साथ अगर इन्होंने जल्द से जल्द बातें नहीं मानी तो संसद मार्च भी देश की तमाम जनता अन्नदाताओं के अपील पे करेगी। हम तैयार हैं, हम दिल्ली मार्च को तैयार हैं। प्रदर्शन करना एक अपना सबों का अधिकार है, लेकिन पुलिस इस तरह से बर्ताव कर रही जैसा कि कोई अपराधी हो, कोई आतंकवादी हो, डंडे बरसा रही है पुलिस। देखिए, ये जो सरकार है ये डंडे के इशारे पर प्रशासनिक दबाव में जनता को, आवाज़ को कुचलना चाहती है। आज
हम लोगों को ब्रिटिश हुकूमत की याद आती है जब महात्मा गांधी ने इस चंपारण से नील खेती के खिलाफ आंदोलन किया था। आज वही दौर है, आज संघर्ष करना होगा, आज लड़ना होगा। हर आदमी को ये नहीं सोचना होगा कि हमारा मौका कब आएगा। अगर इस इंतज़ार में हम लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से ये सरकार देश को बर्बाद कर देगी। इसलिए बर्बादी से बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के किसानों के अधिकार के लिए हमें घर से निकलना होगा, संघर्ष करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लड़ाई अन्नदाताओं की नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की है। अगर ये देश नहीं बचेगा, अगर देश का किसान नहीं बचेगा, देश की अर्थव्यवस्था नहीं बचेगी, तो वो वक्त दूर नहीं कि देश की गद्दी पर अडानी और अंबानी जैसे लोग सत्ता में होंगे और हम सब लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार और उनके गुलाम बन के रहेंगे। हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। 1947 के अंदर जो आज़ादी हम लोगों ने ली है, उस आज़ादी को बरकरार रखते हुए ऐसी फिरकाप्रस्त ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे और इस सरकार को झुकना होगा, देश के आगे झुकना होगा, अन्नदाताओं के आगे झुकना होगा और जो काले कानून हैं उनको तत्काल वापस लेना होगा। इससे भी पहले जितने प्रदर्शन हुए हैं, सरकार ने उस पर कोई संशोधन नहीं किया, जैसे कि NRC, क्या लगता है कि इस बार भी जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, किसान अपनी मांगों के लेकर डंडे खा रहे हैं, क्या सरकार वापस लेगी इस कानून? सरकार को इस कानून को वापस लेना होगा। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार भी सत्ता में नहीं रहेगी। ये जान लीजिए, उस संसद के अंदर 65% किसानों के बेटे संसद में बैठे हुए हैं। इस सरकार को ये पता नहीं, गुजरात के ये जो दो चंगू मंगू बैठे हैं, इनको ये पता नहीं कि जब उत्तर बिहार के किसानों की आवाज़ बुलंद होगी तो देश की संसद में बैठा 65% किसानों का बेटा इस्तीफा देना स्वीकार करेगा और संसद भंग हो जाएगी। अगर किसान नहीं बचेगा, कानून नहीं वापस होगा, तो संसद के अंदर भी आप देख लीजिएगा इस्तीफों का दौर हो जाएगा और ये सरकार भी गिर जाएगी। भाजपा के भी 50% से ज़्यादा जो सांसद हैं वो किसान के बेटे हैं, उनकी अंतरात्मा जाग जाएगी और इस सरकार को जाना होगा। इसलिए मैं चिताना चाहता हूँ मोदी सरकार को, वक्त रहते जाग जाइए और किसानों के हित में, देश के हित में इन काले कानूनों को वापस ले लीजिए। कांग्रेस महागठबंधन पार्टी है और तेजस्वी यादव प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर FIR करने के आदेश हो रहे हैं, क्या कहना? अब देश का नागरिक, देश की जनता, FIR फर्जी FIR से हम लोग नहीं डरते हैं। हम जानते हैं कि जब सच के लिए आप लड़िएगा तो आप पर जो सरकार है वो मुकदमा करेगी। ऐसे मुकदमों से अब देश नहीं डरता, ऐसे मुकदमों से अब लोग क्रांतिकारी नहीं डरते। अगर भगत सिंह डर गए होते, अगर चंद्रशेखर आज़ाद डर गए होते, अगर अशफाकुल्ला खान डर गए होते, तो आज देश आज़ाद नहीं होता। यह लड़ाई आज़ादी की है, ये लड़ाई देश की कृषि व्यवस्था को बचाने की है, ये लड़ाई देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की है और इस लड़ाई में कोई FIR, कोई गोली और किसी भी तरीके के डर से हम लोग आगे निकल चुके हैं। इसलिए कि डर के आगे जीत है और हम लोग जीतने जा रहे हैं, देश का किसान जीतने जा रहा है, देश का आम नागरिक जीतने जा रहे हैं और इस लड़ाई में जीत देश की जीत होगी और पूंजीपतियों के दलालों की हार होगी। मेरा नाम वीरेंद्र कुशवाहा। क्या सरकार वापस लेगी इस बिल को? उसको लेना ही होगा। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो ये सरकार वापस हो जाएगी। देश की जनता जाग चुकी है, उसके मंसूबों पर को समझ चुकी है। हर वादा उसका खोखला है, जुमला है, ये हर मूर्ख से मूर्ख नागरिक अब समझ चुका है। किसान पर जो अत्याचार कर रखा है, किसान रीढ़ है देश का, उसको अंडानी अंबानी जो है उसके दलाल चमचे ये नहीं बचा पाएगी। या तो उसे सरकार में बने रहने के लिए किसानों के पैर पकड़ने होंगे, वरना उसे संसद से बाहर जाना होगा, सरकार से। महागठबंधन की सरकार बनते बनते चूक हो गई, कहा ये प्रशासन की मिली भगत से नरेंद्र मोदी के इशारों पर हमारे 25 MLA जीत करके भी उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। हम हारे नहीं हैं, आज भी जनता हमारे साथ है, लेकिन ये प्रशासनिक और सरकारी धांधली के अंतर्गत नीतीश जी हिचकोला खा रहे हैं। उनकी जो बेइज्जती हो रही है उनको समझ में तो आती है, मगर लोभी, कुर्सी के लोभी उनको
जो फेविकॉल से भी ज़्यादा चिपके हुए हैं, तो उसके आगे वो अपना असमत तक बेच चुके हैं। हम लोग उस किस्म के पार्टी न तो हमारी पार्टी है, ना ही महागठबंधन के लोग हैं और ना ही जनता है। ये इनका आखिरी दाव था। ये नरेंद्र मोदी अपना सब समझ चुका है। उन्हें मध्यावधि चुनाव क्या बीच में ही उन्होंने, जैसा कि युवा अध्यक्ष ने कहा कि सारे किसान के पुत्र जो 65% सांसद में बैठे हैं वो सब त्याग पत्र इस आंदोलन के बाद देंगे, नहीं तो किसान समाज में उनके मुंह में कालिक पोतेंगे। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ से मैसेज पूरे देश में पहुँच रहा है, खासतौर से बिहार में पहुँच रहा है। और नीतीश कुमार तेजस्वी पर तुम शब्द का भाषा तक पहुँच गए हैं, क्या कहना चाहिए? ये उनके फ्रस्ट्रेशन का अंतिम चरण है, आखिरी कदम है। वो मेंटल हो चुके हैं, वो एक बच्चे से तुम ताम कर रहे हैं। यद्यपि कि तेजस्वी जी उनकी इज्जत करते हैं, पलटू चाचा कहते हैं, चाचा कहते तो हैं पलटू, तो उनको कहा क्या जाएगा, ये जनता सब जानती है। ये हमारे जवाब देने से जानेगी सो नहीं, वो इसी के लायक है।